वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो आज मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो शूट करने जा रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए, और बहुत लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे क्योंकि मैंने पिछली कुछ वीडियो उसी जगह पे बनाई थी, इस वजह से सबके कमेंट्स भी आ रहे थे। सो मैंने सोचा क्यों ना बना लिया जाए। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल टूर। और ये जो मैं अभी शूट कर रही हूँ, ये मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर में ही शूट भी कर रही हूँ। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, दिखाती हूँ मैं अपना ड्रेसिंग टेबल कैसे सजा रखी हूँ और क्या क्या सामान कैसे रख रखी हूँ, सब कुछ दिखाती हूँ आपको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट अपने बेड के बगल में रख रखी हूँ ड्रेसिंग टेबल को, ताकि उठूँ फटाफट से तैयार होने लग जाऊँ। ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने अपने इसको बेड के बगल में रखा हुआ है ड्रेसिंग टेबल मेरा। और सबसे ऊपर मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने टेडी बेयर रखा है और तीन फ्लावर पॉट्स रखे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे टॉप से मैं दिखाती हूँ, जिसकी वजह से दूर से देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरा रूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले टॉप पर मैंने टेडी बेयर रखा है और ये थ्री फ्लावर पॉट्स रखे हैं अलग अलग तरीके के, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर हमारे ड्रेसिंग टेबल में यहाँ पर लाइट का भी ऑप्शन है, लेकिन इसका वायर अभी कनेक्ट नहीं किया गया, जिसके लिए मैं कह गया कि अपने पति देव से थक चुकी हूँ, बट ये हुआ नहीं अभी तक ही। और चलते हैं अपने फर्स्ट ड्रॉअर की तरफ। मैंने ये रख रखा है रूम फ्रेशनर सबसे फर्स्ट पे, साइज़ के हिसाब से मैंने रखा है क्योंकि मेरे को सामान परफेक्टली रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने रूम फ्रेशनर रख रखा है जो कि रोज़ का है। यहाँ पर मैंने 2 पाउंड्स पाउडर रख रखे हैं जो कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, ये मेरे शादी में मिले हुए पाउडर्स हैं जिसका अभी तक ही मैंने कोई यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने रख रखी है अपनी बिंदी जो कि डेली यूज़ के लिए रहता है, इस वजह से मैंने इसको ऊपर ही रखा हुआ है। और इधर है चारकोल का फेस मास्क, यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं प्राइमर रखा हुआ है, यहाँ पर मेकअप स्प्रे रख रखा है, ये लैक्मे का मेरा इसको हटा देते हैं, ये लैक्मे का मेरा क्रीम है, और ये एक और है वाइट टोन का पाउडर, जिसमें से एक भी पाउडर मैं पाउडर कभी फेस पे नहीं लगाती हूँ। और ये मेरी मम्मी मुझे छोटा सा बच्चा समझ करके और ये छोटे छोटे क्लेचर लेकर के आई हैं, जिसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और इधर ये ठंडियों में मैंने लिया था जॉय का क्रीम है एलोवेरा का, ये है। और इधर मेरा रखा है हाइलाइटर। तो इधर खाली इतने सामान रखे हैं मैंने, और ये बिंदी हम रख देते हैं फिर से वापस से यहाँ पर। यहाँ से नेक्स्ट रूम में चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने रखी हैं इतनी सारी नेल पेंट्स, ये सारे रोज जो हैं ये नेल पेंट्स के हैं, ये सारे नेल पेंट्स हैं मेरे। और इधर मेरी ये है लिपस्टिक रेड कलर की, ये भी लिपस्टिक, ये भी लिपस्टिक, ये भी लिपस्टिक, और ये मेरा आईलाइनर है, ये मेरा आईलाइनर है, और इधर ये है मश्करा, आई कोई बात नहीं। और इधर ये मैंने रखा है जॉय का सनस्क्रीन, डेली में यूज़ करती हूँ। और इधर मेरी एक ये है लिपस्टिक स्विस ब्यूटी की, ये है काजल, ये है काजल, और इधर मैंने वेसलिन रख रखा है क्योंकि मेरे होंठ बहुत जल्दी फट जाते हैं। और इधर मैंने ये दो मेरी ये चांदी की अंगूठियाँ हैं जिसको मैं इस टाइम पे उतार रखी हूँ क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है इस वजह से। और ये मेरा फेयर एंड लवली क्रीम जो कि पिचकू सा हो रखा है, जो कि बहुत दिन से मैंने लगाया भी नहीं और ख़त्म भी होने वाला है। तो ये दोनों रोज़ में मैंने ये रखा हुआ है, तो अब इसको बंद कर देते हैं। मैंने एक ओपन भी ड्रेसिंग टेबल आता है, मैंने वो ना लेकर के मैंने ये लिया था, क्योंकि ओपन वाले में क्या होता है धूल वूल बहुत ज़्यादा चली जाती है, इस वजह से मैंने ये सारे कवर्ड वाले लिए कि कवर रहे। से आते हैं नीचे साइड पे, तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स रखा है जिसमें मेरे चटर पटर वाले सामान है, चटर पटर वाले मतलब जो ये मेकअप ब्रश है, ये ब्लेंडर है, और ये सब छोटे मोटे थोड़े बहुत के सामान है जो रेगुलर यूज़ वाले भी नहीं है बट एमरजेंसी पे काम आ जाते हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे रख रखा है ताकि ज़्यादा ढूंढने में झंझट ना पड़े। तो ये मैंने यहाँ पे रख रखा है, और ये बॉटल पानी का ठंडा बॉटल रखने की वजह से थोड़ा सा पड़ गया है दाग, बट कोई बात नहीं, इसको भी साफ़ कर दूंगी मैं। तो ये इधर का मेरा ये एक इतना रो है, और उसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट रो की तरफ जिसमें मिरर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये मिरर लगा हुआ है इसमें, और इसमें लॉक करने का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो लॉक कर सकते हो लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको ओपन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से जहाँ पे लाइटिंग का ऑप्शन है वहाँ से। तो यहाँ पर है ये
आलमंड का बॉडी लोशन है, एक सेकेंड, नहीं हाँ आलमंड का बॉडी लोशन है, इधर मेरा हेयर ऑयल है जो कि मैं ये लगाती नहीं हूँ, बट ये भी शादी में मिला हुआ ही है तो मैंने रखा है, कभी कभार कुछ ना मिलने पे यूज़ कर लेती हूँ। इधर ये है डर्मिकूल पाउडर, इधर ये मैंने रखा है फेविकोल, सब कुछ होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। और इधर मेरे सारे बिंदियों के ढेर लगे हैं जिनमें से कोई भी बिंदियाँ मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि ये सारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी, ये दोनों छोड़ करके बाकी सारी बहुत ही बड़ी बड़ी बिंदियाँ हैं जो कि मैं कभी नहीं लगाती हूँ, कभी मैंने छुआ भी नहीं है इनको, आप देख सकते हो कभी ऐसी बिंदियों में आपने मेरे को देखा भी नहीं होगा। सो ये सबको फिर से रख देते हैं। और यहाँ पर ये है मेरे पति देव जी का, जो शादी के टाइम पे गले में पहनते हैं, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं। ये मैंने फिर से बिंदीज अपनी सेट कर दी है। और ये है मेरा वो पाउडर लगाने वाला बॉक्स, जिसमें वो पाउडर लगाने वाला वो जो होता है वो रखा रहता है। और ये मेरा एक बॉक्स में मैंने सारी इयररिंग्स रख रखी हैं, ये सारी इयररिंग्स हैं जिनको मैंने इसमें रख रखा है, क्योंकि इयररिंग्स ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये है, कई बार आपने वीडियोज में भी पहने देखा होगा मेरे को, तो ये सारी इयररिंग्स हैं इसमें जो मैंने छोटे से बॉक्स में रख रखा है। इसको फिर से वापस से कर देते हैं बंद और वापस से अपनी जगह पर रख देंगे। मेरा ड्रेसिंग टेबल आपको परमानेंट साफ मिलेगा, कभी आपको ये फैला नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है जब आप रेडी होने के लिए आओ और सारे सामान इधर उधर रहते हैं ना, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है, तो इसलिए ये मेरा तो परमानेंट सेट रहता है, क्योंकि इसमें मेरे अलावा किसी और का हाथ लगना नहीं है, तो मैं जो सामान जहाँ से उठाती हूँ वहीं वापस रख देती हूँ, इसलिए ये फैलता नहीं है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट रो। सेकेंड रो में हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है मेरा चूड़ियों का सेट, जहाँ पर चूड़ी रखने के लिए भी यहाँ पे स्टैंड दिया हुआ है, जिसमें मैंने अपनी सारी रेगुलर यूज़ वाली, जो इस रो में जो है मेरी ये रेगुलर यूज़ वाली चूड़ियाँ हैं, जैसे मैंने अभी हाथ में दो चूड़ियाँ डाल रखी हैं, सिर्फ दो ही, क्योंकि मेरे को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाथों पैरों में खुजली सी हो रही थी। तो ये मेरी रेगुलर यूज़ वाली चूड़ियाँ हैं, जिनको जैसे कभी ये फूट जाती हैं या टूट गई तो मैं इनमें से निकाल के पहन लेती हूँ। और ये सारी मेरी सेट्स वाली चूड़ियाँ हैं, जैसे ये मेरा चूड़े का सेट है, इनमें भी कुछ एक्स्ट्रा चूड़ियाँ आ गई हैं, ये मेरा एक ये सेट है, ये मेरी ब्लैक चूड़ी का सेट है, तो इनको मैंने इसमें अच्छे से सेट करके रखा हुआ है। और ये मैं चंद्रिका देवी से लेकर के आई थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था ये कड़ा, तो ये है अभी ये नया ही रखा हुआ है, यहाँ पे फेविक्विक रखा है, कभी कभी काम आ जाता है। और ये यहाँ पे दो मैंने नोएडा से गले के सेट लिए थे, इसको तो मैंने अभी एक भी बार नहीं पहना है, ये ऐसे कैसे रखा है इसको, मैंने मेरे को एक बॉक्स में रखना है, तो जल्द ही रखेंगे ये, तो मैंने अभी इसकी इयरिंग्स मैंने पहनी है वीडियोज़ में, बट ये सेट कभी नहीं पहना अभी आज तक की। और एक ये है जिसको आपने कई बार मेरे को वीडियो में पहने देखा हुआ, तो ये अभी पैकेट में ही है, पैकेट भी इनका मैंने नहीं खोया है क्योंकि सारा सामान मेरा वैसे कभी से पड़ा हुआ है, तो इनको किसी डिब्बे में भी अच्छे से सेट करके रखना है। तो ये मेरे दो रोज हो गए। ये थर्ड रो में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मेरा सिंदूर का कलेक्शन। तो यहाँ पर ये है मेरा सिंदूरदान, सिंदूरा जिसको हमारे वहाँ बोलते हैं, जिसमें शादी के टाइम पे एक पूरा पैकेट सिंदूर पड़ा था, जो जिससे कि अभी ये भरा हुआ है, अभी एक पैकेट ये रखा है। और ये जो छोटे छोटे सिंदूर के डिब्बे आपको दिख रहे हैं, ये सारे कभी मंदिर जाना या कोई देता लेता है तो उसमें सिंदूर, जैसे साड़ी वगैरह कोई देता है तो उसमें सिंदूर रहता है, तो ये सारे सिंदूर हैं। ये दो अलग सिंदूर हैं, ये लिक्विड वाले सिंदूर हैं, और ये मैं जब हरिद्वार गई थी तो वहाँ से लेकर के आई थी, ये वो सिंदूर है, ये डिब्बे वाला सिंदूर है, इसमें भी सूखा सिंदूर है। और ये जो मेरे को कोलैबोरेशन के लिए लिपस्टिक आई थी, तो इसको मैंने यहाँ रख रखा है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत कम ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा मेरे को रेडी लिपस्टिक पसंद है, जो ब्लड वाला रेड होता है वो, तो ये लिपस्टिक मेरी यहाँ रखी है। तो ये हो गया मेरे तीन रोज़। अब बढ़ते हैं फोर्थ रो की तरफ, जिसमें ये रखा है मशीन का तेल, जो कि ज़रूरत पड़ती है, ये छोटा शीशा जो कभी काम आ गया तो। और इसमें चूड़ियां हैं, ये लाल कलर की चूड़ी है ये, और ये चूड़ा मम्मी का रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने रखा है ये क्लेंज़र, क्योंकि ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह मिरर वगैरह साफ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है, तो इसको मैंने यहाँ रख रखा है। तो ये है इतना मेरा, इसमें मैंने इतने सामान ये रख रखे हैं। और फिर इसको करते हैं बंद, अब चलते हैं ड्रॉर्स की तरफ। तो ये है मेरा फर्स्ट ड्रॉर, जिसमें आपको थोड़ा सा सामान फैला मिलेगा, फैला इसलिए मिलेगा क्योंकि इसमें मेरे ज़्यादातर ये कोम्ब और रबड़ के अलावा ज़्यादातर मेरे हस्बैंड के पेपर्स वगैरह हैं, जो वो डेली ऑफिस वगैरह उनको काम पड़ता है तो लेकर के जाते हैं, तो ये सारे पेपर्स वगैरह सब कुछ हैं उनके, तो इसमें कुछ ऐसा आइटम नहीं है जो मेरे से रिलेटेड हो, बस कोम्ब वगैरह हैं और उनके पर्स वगैरह रखे हैं, वॉलेट वगैरह बस। तो इस ड्रॉर को करते हैं बंद, अब बढ़ते हैं। तो
तो ये इतना होने के बाद से ये नीचे भी आपको स्पेस मिलता है जहाँ पर मैंने अपनी दवाइयाँ रख रखी हैं, जैसे कि ये मेरा प्रोटीन पाउडर है जिसको मैं डेली मेरे को पीना रहता है सुबह शाम, तो ये है मेरा प्रोटीन पाउडर जिसको मैंने यहाँ रख रखा है। कुछ मेडिसिन हैं, टैबलेट्स हैं, उनको मैंने अलग रखा हुआ है। तो अब चलते हैं इस ड्रॉअर की तरफ। तो इसमें ज़्यादातर आपको मेरे हेयर एक्सटेंशंस मिलेंगे, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये तो ये है हेयर एक्सटेंशन मेरा सबसे पहला, जो कि है हेयर्स जूड़ा है, तो इसको निकालते हैं। ये है बॉक्स जो कि कभी कभी काम आता है कहीं आने जाने पे। तो ये है मेरा इसे, और मेरे हेयर रोलर्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये गजरा, ये आर्टिफिशियल गजरा है जो कि दो रखे हैं मेरे पास, जिनको अभी तक कि मैंने एक भी बार यूज़ नहीं किया है, बट जल्दी यूज़ करूँगी अपने वीडियो में। ये एक डिब्बा रखा है जिसमें मैं सोच रही हूँ वो गले के सेट्स रख दूँ, और बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा सामान वगैरह होते हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इसको खोलने का ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता है। और ये एक मैंने कपड़ा रख रखा है जिससे मैं ये पूरा ड्रेसिंग टेबल अपना साफ़ करती रहती हूँ डेली। तो अब इसको करते हैं बंद। जहाँ हमारा ये लास्ट ड्रॉर जो कि बहुत कम खुलता है, और ज़्यादा ना खुलने की वजह से ये बहुत टाइट भी है अभी। तो यहाँ पर मैंने तीन बॉक्सेस रखे हैं जिसमें कि मेरे मेकअप के सामान हैं, जो कि मेरी दीदी अब पार्लर सीख रही थी तो उसने लिया था, बट अब वो इतना यूज़ करती नहीं है तो उसने मेरे को दे दिया। मेरे को भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पड़ा ही हुआ है। तो यहाँ पर मेरे सारे मेकअप के ये सामान हैं जिनको मैंने दो बॉक्सेस में करके रखा हुआ है। और यहाँ पर एक ये गले के सेट का डिब्बा है जिसमें ये सारे गले के सेट हैं। ये आपने पहने हुए मेरे को देखा भी होगा कई बारी। कभी मैं आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं मेरे पास वो आपको दिखाऊंगी। तो यस, ये सामान मेरा रखा हुआ है इसमें, तो इसको कर देते हैं फटाफट से वापस से बंद। तो ये था मेरा ड्रेसिंग टेबल टूर, आज का मेरा ये वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ड्रेसिंग टेबल देख के कैसा लगा, जो मैंने जिस तरीके से सामान को अपने डेकोरेट किया है कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मेरा ये वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। और अगर आप मेरे रूम का टूर भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी जल्दी लेकर के आऊँगी। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो होता है यहीं पर ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।